वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसमें करेक्शन पढ़ लेते हैं। इसमें एक छोटा सा करेक्शन था, पिछली क्लास से जो इंजन थ्योरी की वीडियो थी मैंने उसमें पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन पढ़ाया था। मैंने बताया था कि स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन जो था पेट्रोल इंजन का ज़्यादा होता था, 200 से 280 उसका था और 160 से 200 ये था। ये बिल्कुल ठीक है, बट द यूनिट इज वो मैंने वहाँ पर पढ़ाया था ग्राम पर किलोवाट। ये ध्यान रखना है, इसकी यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर BHP, ब्रेक हॉर्स पावर, किलोवाट नहीं है, BHP। तो ग्राम पर BHP पर आर, तो ये करेक्शन है। तो ये ध्यान रखना, जो पेट्रोल इंजन का होता है वो आपका 200 से 280 ग्राम पर BHP पर आ रहा है। जल्दीबाजी मैंने लिख दिया था, तो इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है। तो कभी भी वो किलो वोट में पूछ लेता है, कभी भी BHP में पूछ लेता है। तो हमें बस यही याद करके आना है, जो पेट्रोल इंजन का स्पेसिफिक कंजम्पशन है और डीजल इंजन का वो कितना है, वो है आपका 200 से 280, क्योंकि यहाँ पे 200 में फिनिश हो रहा है, किसमें है, ग्राम पर BHP पर आर में, ठीक है। अगर आपको कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे, एक ब्रेक हॉर्स पावर में कितना होता है, 746 होते हैं, ठीक है। तो 0.746 हो जाएगा। तो अगर आपको कन्वर्ट करना है तो ब्रेक हॉर्स पावर की जगह 0.746 से डिवाइड कर दो, तो आपकी रेंज जो है किलोवाट में आ जाएगी। तो आपको पता है 1 BHP इक्वल टू 0.746 किलोवाट, तो 160 से को डिवाइड कर दो 0.746 से, क्योंकि BHP की जगह रख दो 0.746, ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो इसकी रेंज आएगी वो 214 से 26 होती है किलोवाट पर, ओ ग्राम पर किलोवाट आर में। ये ध्यान रखना, बहुत मेन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा 268, इसको करोगे तो 375, इट विल बी KG पर किलोवाट आर में। तो ध्यान रखना, जो BHP की है वो 200 से 280 है, करेक्शन कर। इसके ऑर्डर के बारे में बढ़ते हैं, फायरिंग ऑर्डर। ये बहुत ही मतलब एक बुक है SN शर्मा और डी मुकेश, ठीक है, वहाँ से ये ट्रिक ली गई है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, क्योंकि ये याद नहीं रहता। जैसे फोर सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि आप जब ट्रिक देखोगे तो आपको भी हंसी आ जाएगी। फोर सिलेंडर का जो फायरिंग स्ट्रोक, जो फायरिंग ऑर्डर है, वो क्या होता है, 1342 और 1243 हम पढ़ते हुए आ रहे हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, टीचर आता था लिखवा के चले आता था। सिक्स सिलेंडर में क्या होता है, 153, 624, 142, 635। देखो एडिटिस याद भी कर सकते हो, क्योंकि ट्रिक भी अच्छी नहीं है, मतलब ट्रिक इन द सेंस कि वो भी लेंदी ही है, मैं भी ट्रिक पढ़ाऊंगा। एट सिलेंडर, तो एक तरीका तो ये कि आपको इतना तो याद करके आना ही पड़ेगा। सिक्स सिलेंडर के और भी हो सकते हैं, एट सिलेंडर के, लेकिन ये तो बहुत ही मेन है, जो बहुत ही मेन है फायरिंग ऑर्डर। फोर सिलेंडर क्या होता है, 1342, 1243, ये तो याद रहेगा ही रहेगा, इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये याद रहता ही रहता है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, लास्ट में 624 और 635 ऐसे याद कर सकते हो। सिक्स सिलेंडर है तो लास्ट में 6 से ही स्टार्ट है, एक में 24 है, एक में 35 है, ऐसे याद कर सकते हो। और एट सिलेंडर का आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर 16 सिलेंडर का आ गया, कुछ बड़ा आ गया, फिर कैसे करोगे। तो देखो, सिक्स सिलेंडर और एट सिलेंडर का करते हैं, ट्रिक क्या है, जैसे हमें सिक्स सिलेंडर करना है तो क्या करो, यहाँ पर ये तीन बॉक्स बनाओ, ठीक है, सिक्स सिलेंडर का था, ठीक है। सिक्स सिलेंडर के लिए क्या करेंगे, देखो तो सबको स्टेप है, सबसे पहले तीन बॉक्स बनाए हमें, अब यहाँ पे फिल करना है। अब यहाँ पे हर बॉक्स में दो दो नंबर आएंगे, ठीक है, पहले लिखो वन यहाँ पर इसके फर्स्ट, उसमें यहाँ वन उसके फर्स्ट, उसमें यहाँ पे थ्री, यहाँ पर 1 2 3 आपने क्लॉकवाइज लिख दिया, जो 4 5 6 बचा हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, 4 5 6, क्योंकि 6 में आपके इतना ही है तो इतना ही नंबर आएंगे। अगर 8 होता तो 4 बॉक्स बनते हैं, उसका भी करेंगे। तो कैसे करोगे, पहले बॉक्स बनाओगे तीन, फर्स्ट लिख दिया, सेकंड में पहले पे करा कैसे था, ये ध्यान रखो करा कैसे था, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बॉक्स में पहले का नंबर फर्स्ट आएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है, ऐसी सेकंड बॉक्स में ये वाला नंबर, मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं इसलिए सेकंड बॉक्स मेरे लिए ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, राइट, ये हमेशा ऐसी होगी नंबरिंग। फिर जैसे ही खत्म करोगे यहां पे, अब एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, 4 5 6, पहला स्टेप ये हो गया, ये कर लोगे। दूसरा स्टेप ये है कि अंडरलाइन करना है अल्टरनेट नंबर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसको, अल्टरनेट नंबर। जैसे सपोज करो मैंने पहला वाला, हमेशा पहला वाला करोगे, जब इसमें पहला वाला कर दिया क्लॉकवाइज चल रहे हैं अभी, तो सेकंड में किसको करोगे, एंटी क्लॉकवाइज किसको करोगे, वो सॉरी फर्स्ट में आपने इसको कर दिया पहले वाले को, सेकंड में किसको करोगे, अल्टरनेट में लास्ट वाले को, इसमें लास्ट वाले को करा है, इसमें पहले वाले को करोगे, इतना कर दिया। फिर जो आपका ऑर्डर आएगा वो आप अंडरलाइन को पहले लिख दो, 1 3 5 1 3 5, ये सही कर रहा हूँ, नहीं नहीं सॉरी क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना यहाँ, तो सॉरी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो 1 5 3 1 5 3 पहले अंडरलाइन आ गए, फिर बचे हुए आएंगे 6 2 4 6 2 4, हो गया ये क्लॉकवाइज से था, ऐसे ही हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो स्टेप क्या है, अगर मैं फिर से इसको डिस्कस करूँ, देखो एक बार तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार कर लिया तो हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है। तीन बॉक्स बनाओ, पहले में 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया,
या 3 लिख दिया क्लॉकवाइज में, ये तो हमेशा ऐसे ही होगा, चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, 4, 5, 6 ये तो भरना ही भरना है ऐसे। अब अगर आप क्लॉकवाइज कर रहे हो तो पहले क्लॉकवाइज का सिंबल लगा दो, पहले वाले में इसको करा अल्टरनेटो करना है, फिर इसमें इसको करा, इसमें इसको करा, क्लॉकवाइज चलना है पूरा, पहले अल्टरनेट को लिखना है हमेशा 1, 5, 3, 1, 5, 3, बचाओ कौन सा है 6, 2, 4, ये हो गया, ये हमारा पहला आंसर आ गया। सेकंड आंसर आपका एंटी क्लॉकवाइज से आएगा, वो कैसे होगा उसको भी देखो, थोड़ा सा वो है, जैसे यहाँ पे 3 बॉक्स बनाए, ये आपने 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 4, 5, 6, यहाँ तक तो हमेशा ही ऐसे करना है, पहले का पहला बॉक्स 1, 2, 3 रहेगा, ये सब रहेगा। अब आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, जो अंडरलाइन भी करना है वो एंटी क्लॉकवाइज, पहले आप इसको अंडरलाइन करोगे 1 वाले को, फिर आप इसको अंडरलाइन करोगे, फिर आपको इसको अंडरलाइन करोगे, क्योंकि पहले में आपको फर्स्ट नंबर होगा अल्टरनेट करना है, सेकंड ने आपको लास्ट नंबर होगा रहा, फिर थर्ड ने आपको थर्ड बॉक्स में फर्स्ट होगा रहा, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। क्या होता है, सबसे पहले हम अंडरलाइन को लिखते हैं, अंडरलाइन क्या हो जाएगा 1, 4, 2, क्योंकि अब एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, अब क्लॉकवाइज नहीं चल रहे, एक आंसर क्लॉकवाइज से आएगा, एंटी क्लॉकवाइज से 1, 4, 2, 6, 3, 5, 6, 3, 5, तो यही है 1, 4, 2, 6, 3, 5, ये आ गया आंसर, ठीक है। अब ऐसी 8 सिलेंडर करते हैं, कैसे करोगे 8 सिलेंडर का, कितने बॉक्स बनेंगे, 4 बॉक्स बनेंगे, बन गए 4 बॉक्स। फर्स्ट वाले में पहले तो नंबरिंग कर दो, ये फर्स्ट ही आएगा हमेशा, ये सेकंड ही आएगा, ये थर्ड, ये फोर्थ, अब नंबरिंग उल्टी हो जाएगी 5, 6, 7, 8 कर दिया। अब अंडरलाइन कर दो, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, पहले इसको अंडरलाइन करोगे, फिर इसको अंडरलाइन करोगे, फिर इसको अंडरलाइन करोगे, फिर इसको अंडरलाइन करोगे, क्लॉकवाइज चल रहे हो तो क्या हो जाएगा 1, 7, 3, 5, 1, 7, 3, 5, 8, 2, 6, 4, 8, 2, 6, 4, तो यही है 1, 7, 3, 5, 8, 2, 6, 4। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, मैं पेज नंबर ही बता देता हूँ, 1.18 सेक्शन है, बुक का नाम है DN शर्मा एंड S मुकेश, वहाँ से लिया गया, तो आप बिल्कुल वहाँ से पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी ट्रिक लगी मुझे, वरना होता नहीं है ऐसा, ठीक है। ये क्लॉकवाइज हो गया, अगर मुझे इसी में एंटी क्लॉकवाइज करना है तो ये नंबरिंग तो हमेशा कभी चेंज होती ही नहीं है, ये एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, इसको एंटी क्लॉकवाइज कर दो। अब जो अंडरलाइन होगा, एंटी क्लॉकवाइज अंडरलाइन से चेंज होता है बस, अंडरलाइन में पहले इसको कर रहे हो, अब एंटी क्लॉकवाइज से लोगे, पहले इसको करा फर्स्ट नंबर को, अब सेकंड नंबर पे इसको करोगे, थर्ड पे इसको करोगे, स्टार्टिंग एंड पे इसको करोगे, तो क्या हो जाएगा 1, 5, 3, 7, 1, 5, 3, 7, 8, 4, 6, 2, 8, 4, 6, 2, तो यही है क्या 1, 5, 3, 7, 8, 4, 6, 2। तो आप ऐसे जो है फायरिंग ऑर्डर निकाल सकते हो, एक ट्रिक थोड़ी जो है, जो इंजन के आपके मोर्स टेस्ट है, इंटीग्रेट थर्मल एफिशिएंसी है, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी है, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे और फिर इसका एक हैंडआउट सॉल्व करेंगे, फिर जो है कल आपका क्या होगा, टेस्ट होगा, ठीक है। जो इसकी थ्योरी है बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, थ्योरी को मैं बहुत कम डिस्कस करूंगा, आपको इंजन पता ही है दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, बहुत स्पीड में बढ़ना है, क्योंकि हो सकता है कि MSQ में आए और हो सकता है कि MSQ में बिल्कुल ही ना आए, तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करना है इसमें, तो इंटरनल एक्सटर्नल होते हैं, एक्सटर्नल की भी एफिशिएंसी पूछ लेते हैं 20% होती है, मोर पावरफुल होते हैं, और इसका एग्जांपल स्टीम इंजन है। अगर आप इंटरनल कंबशन की बात करोगे तो SI CI, स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन, स्पार्क इग्निशन को पेट्रोल बोलते हैं, कंप्रेशन को ये बोलते हैं, ये कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, कांस्टेंट प्रेशर होता है, सबको पता है। कभी अभी इंजन का क्लासिफिकेशन पूछ लेता है IC इंजन का, तो ये ध्यान रखना कि इंजन आपके 3 टाइप के होते हैं, लो स्पीड, मीडियम और हाई स्पीड फॉर अ ट्रैक्टर, ठीक है। लो स्पीड का ये पूछा जा सकता है, लेस देन 350 RPM लो स्पीड होता है, मीडियम आपका 350 से 1000 RPM होता है, और हाई आपका 1000 से ऊपर होता है, तो बहुत आसान भी है याद करना, 1000 आपको याद रखना है बस, ये 1000 और ये 350, ठीक है, बस आपको यही जो है ये दोनों याद रखनी है। अच्छा, एक जल्दी जल्दी इसको पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिस्कस भी करूँगा, एक करेक्शन और कर लेना, एक करेक्शन था, अगर आपको इंजन के स्पेसिफिकेशंस गिवन है, राइट, इंजन की स्पेसिफिकेशन डायमेंशन, और वो ऐसे गिवन है, राइट, 8 × 9 cm, तो इसका मतलब है ये D × L गिवन है, द डायमीटर विल बी 8 and the L will be 9, ये करेक्शन है, ये हैंड आउट में ही फिर से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं, अभी तक हमने इंजन के टाइप के बारे में पढ़ लिया, बेसिक कंपोनेंट जल्दी जल्दी निपटाएंगे। ये आपको दिख रहा है आपका 4-stroke टाइप का इंजन है, ये आपकी रोड हो गई, कनेक्टिंग रोड, ये क्रैंकशाफ्ट हो गई, और ये पिस्टन हो गया। पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन आपका स्लाइड करेगा, क्रैंकशाफ्ट घूमेगी, ठीक है, पता ही है। तो अब आता है इसमें कुछ क्वेश्चन इससे बनते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले देखो ये क्या है, रोड है, कनेक्टिंग रोड, ये आपके दिख रहा है कनेक्टिंग रोड है। अब इसके दो एंड होते हैं कनेक्टिंग रोड के,
एक को हम बोलते हैं स्मॉल एंड और एक को बिग एंड। अगर आप कनेक्टिंग रोड एक्चुअल में देखोगे तो ऐसी होती है, मतलब जो ऊपर वाला कनेक्टिंग है तो कोई किसी से ऐसे कनेक्ट होगी, तो ये वाला दिख रहा है आपको स्मॉलर एंड है, ये छोटा होता है ये बड़ा होता है। तो ये बहुत पूछा जाता है कि कनेक्टिंग रोड कितना एंड होता है, स्मॉलर और बिगर। जो स्मॉलर एंड होता है वो पिस्टन की साइड होता है, जो बिगर एंड होता है वो क्रैंक शाफ्ट की साइड होता है। तो आपको डायग्राम क्लियर होना चाहिए, इट्स अ कनेक्टिंग रोड, इट्स अ क्रैंक शाफ्ट, इट्स अ पिस्टन, ये मूव कर रहा है ऊपर और नीचे, रेसिप्रोकेटिंग कर रहा है, क्रैंक शाफ्ट आपका घूम रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को अगर हमें आपस में मर्ज करना है तो हम कौन सी पिन का यूज करते हैं, विच पिन कनेक्ट्स द कनेक्टिंग रोड एंड द पिस्टन, बहुत पूछा जाता है। तो ये हमारा होता है पिस्टन पिन, जिसको बोलते हैं, इसको गजियन पिन भी बोलते हैं, रिस्ट पिन भी बोलते हैं और पिस्टन पिन। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, विच पिस्टन कनेक्ट्स, तो कोई कनेक्टिंग रोड है, तो कनेक्टिंग रोड आपकी क्रैंक शाफ्ट से भी अटैच है, ये आपकी क्रैंक शाफ्ट है, ये कनेक्टिंग रोड है, कनेक्टिंग रोड आपकी पिस्टन पिन से भी अटैच है, कनेक्टिंग रोड आपकी क्रैंक शाफ्ट से भी अटैच है। यहाँ पे हम दो पिन लगाते हैं, जो यहाँ पे पिन लगती है उसको हम पिस्टन पिन बोलते हैं या गजियन पिन या रिस्ट पिन। तो गजियन पिन किसको कनेक्ट कर रही है, सर पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को, तो ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे क्रैंक पिन लगी होती है, क्रैंक पिन किसको करती है, मर्ज करती है क्रैंक शाफ्ट को और रोड को। तो क्रैंक पिन कनेक्ट्स द कनेक्टिंग रोड विद द क्रैंक शाफ्ट, ये कनेक्टिंग रोड और क्रैंक शाफ्ट को क्रैंक पिन करेगी, ठीक है। तो ये पूछा जाता है पिस्टन पिन कौन से एंड पे होती है, स्मॉलर एंड पे, क्रैंक पिन कौन से एंड पे होती है, बिग एंड पर, बिगर एंड पर। तो ये भी पूछा जाता है दोनों, तो कनेक्टिंग रोड के दो एंड होगा, एक स्मॉलर और बिगर, द बिगर एंड विल बी ऑन द क्रैंक शाफ्ट साइड, द स्मॉलर विल बी ऑन पिस्टन साइड, दिस पिन विल बी नोन एज अ गजियन रिस्ट और पिस्टन पिन, दिस पिन विल बी नोन एज अ क्रैंक पिन, ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत बेसिक था। अब एक क्वेश्चन पूछा था कि कनेक्टिंग रोड का मेन फंक्शन क्या होता है, कनेक्ट करती है पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से, कनेक्ट करती है कनेक्टिंग रोड, क्रैंकशाफ्ट क्या करती है, कन्वर्ट करती है रेसिप्रोकेटिंग मोशन को इसके। वैसे अगर देखा है तो क्रैंकशाफ्ट विद द हेल्प ऑफ द कनेक्टिंग रोड पूरे मोशन को ट्रांसलेट कर रही है, क्योंकि कनेक्टिंग रोड अकेले नहीं कर रही, विद द हेल्प ऑफ द रोड के साथ कर रही है, बट द मेन फंक्शन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट इज टू कन्वर्ट दिस मोशन इनटू दिस, रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, इसको रोटरी में कन्वर्ट कर रही है, तो ये मेन फंक्शन हो गया क्रैंकशाफ्ट का, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब कनेक्टिंग रोड में पूछा जाता है कि कौन कौन सी फोर्स आती है कनेक्टिंग रोड में। देखो कनेक्टिंग रोड क्या कर रही है, देखो कनेक्टिंग रोड क्या कर रही है, अगर आप देखोगे तो पिस्टन स्लाइड हो रहा है तो ये सीधी हो जाएगी, ठीक है ना, तो ये जब ऐसे आएगा तो ऐसे हो जाएगी, तो मतलब ये जो इसमें फोर्स आ रही होगी, अगर आप देखो इसकी फोर्स एनालिसिस देखोगे तो इसमें क्या होगा, अपर एंड डाउन, इसमें कोई रोटरी मोशन नहीं आ रहा होगा, इसमें जो भी मोशन आ रहा है वो लीनियर आ रहा है, या तो अप या डाउन, क्योंकि कनेक्टिंग रोड है, जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगी, तो जो इसमें फोर्स लगेगा वो कंप्रेशन और टेंशन का लगेगा, ठीक है। तो इसमें पूछा जाता है बहुत बार, द फोर्स विच आर कनेक्ट द फोर्स When the piston operates, which forces works on the connecting rod? There are two kind of forces, the compression and the tension. अगर आप crankshaft के बारे में बात करोगे तो crankshaft में compulsory नहीं है, कुछ research paper में लिखा है bending, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ research paper में ये, लेकिन check कर लेना bending and this, क्यों, क्योंकि इसमें वो सब force लगेंगी जो घूमने में help कर रही है, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट तो घूम रही है, दिख रहा है आपको क्रैंकशाफ्ट, तो कौन कौन सी फोर्स लगेंगी, बेंडिंग एंड दिस, आप चेक कर सकते हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई हैव रेड इन वन ऑफ द रिसर्च पेपर बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। लेकिन कनेक्टिंग रोड का श्योर है कंप्रेशन और टेंशन, ज्यादा हमें पढ़ना नहीं है। अच्छा, कभी काउंटर वेट ऐड करे आते हैं, क्यों करे आते हैं, खुद पढ़ लेना, ये पूछा था काउंटर वेट कहाँ पे ऐड करे आते हैं, तो अपोजिट टू द बिगर एंड एंड ऑन द क्रैंकशाफ्ट, बहुत देखो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आना फिर हमें, ये क्लियर हो गया। तो इसमें सबसे मेन क्वेश्चन कौन होंगे, पिन वाले हो गए सबसे मेन क्वेश्चन, और ये हो गया, ठीक है। आप पूछा जाता है अभी भी सिलेंडर किसका बना होता है, तो सिलेंडर आपका कास्ट आयरन का बना होता है, अगर आप देखोगे सिलेंडर आपका कास्ट आयरन का बना होता है। पिस्टन किसका बना होता है, पिस्टन एल्यूमिनियम और एलोए का बना होता है, एल्यूमिनियम एंड स्टील एलोए हो गए, इनका बना होता है। ये पूछा था कनेक्टिंग नोड किसकी बनी होती है, तो कनेक्टिंग नोड तो याद करना बहुत आसान है, देखो कनेक्टिंग नोड क्या कर रही है, ड्रॉप कर रही है, मतलब कनेक्टिंग नोड में क्या है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो ड्रॉप है, तो ये तो दिख भी रहा है, ड्रॉप फोर्ज स्टील, ये बहुत पूछा जाता है, ड्रॉप फोर्ज्ड स्टील, तो इसको याद कर सकते हो, कनेक्टिंग रोड मेन है, याद कर लेना किसका बना होता है। फिर ऐसी ये क्रैंकशाफ्ट और फ्लाईव्हील किसका बना होता है, वो भी कास्ट आयरन का बना होता है। तो ये सब चीज़ें देख लेना, मटेरियल और कौन कौन से बने होते हैं, बहुत सारे, पिस्टन पिन किसकी बनी होती है, ये सब, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम, अगर हम पिस्टन की बात करें यहाँ पर, अब पिस्टन की तीन चार चीज़ें जो हमें पढ़नी है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आऊँगा, और ये डायग्राम कोई वैसा डायग्राम नहीं है, डायग्राम से समझाने के लिए यूज़ करा ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। पिस्टन में आपकी तीन तीन चीज़ें यूज़ होती हैं, एक होता है रिंग, एक होता है स्कर्ट और एक होता है ये। सबसे पहले पढ़ते हैं रिंग, रिंग इसमें लगी होती है, इसमें रिंग लगी होती है, पिस्टन में क्या है, यहाँ पे ग्रूव्स होंगे, यहाँ पे ग्रूव्स, यहाँ पे रिंग लगी होगी, एक कंप्रेशन रिंग लगी होगी, फिर एक ऑयल रिंग लगी होगी,
ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि ऑयल रिंग कौन से ग्रुप में होती है, सबसे नीचे वाले ग्रुप में आपकी ऑयल रिंग होती है, कंप्रेशन रिंग कहाँ होती है उससे ऊपर होती है, ऑयल रिंग का फंक्शन पूछा जाता है, तो ऑयल रिंग का फंक्शन होता है आपका सीलिंग, और ये ऑयल रिंग कहाँ पे लगी होती है, ये वाले ग्रुप में लगी होती है। अच्छा, कंप्रेशन रिंग का फंक्शन क्या होता है, कंप्रेशन, जो क्लोज कंप्रेशन चैम्बर क्रिएट करना, ये इसका फंक्शन हो गया। स्कर्ट कहाँ पे लगा होता है, स्कर्ट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है प्रेशर को। अब मैं पूरा इसको नहीं समझा रहा, स्कर्ट आपका ऑयल रिंग के नीचे लगा होता है और ये पूरे प्रेशर को जो है एब्जॉर्ब करता है। क्राउन क्या होता है, द टॉप पोर्शन ऑफ द पिस्टन इज नोन एज द क्राउन। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आना, तो आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें, पिस्टन में आपके कौन कौन से हो गए, अगर आप देखो ग्रूव लगे हुए हैं पिस्टन में, ठीक है, तो आप याद करो कंप्यूटर सीओ, नीचे ऑयल रिंग है, ऊपर कंप्रेशन रिंग है, इसके नीचे स्कर्ट है COS, ऐसे याद कर सकते हो, ऊपर क्राउन है तो CCOS, ऐसे करके याद कर सकते हो। ये बहुत पूछा जाता है कि ऑयल रिंग कहाँ लगी होती है, नीचे वाले ग्रुप में लगी होती है। ऑयल रिंग का फंक्शन क्या होता है, लुब्रिकेटेड एंड सील करना, मतलब पूरा सील कर देना वहाँ पर, ठीक है। रिंग क्लियरेंस पूछा होता है, रिंग क्लियरेंस कितना होता है, तो ये याद करना है आपको, 1/200 mm और डायमीटर ऑफ द पिस्टन, ये आपको याद करना है, 1/200 mm, ये बहुत मेन है। नंबर ऑफ द रिंग्स कितनी होती है पिस्टन में, 3 to 7, ये भी याद करना है, क्योंकि ऐसे तो कंप्रेशन रिंग भी दो तीन टाइप की होती हैं, तो नंबर ऑफ द रिंग्स पूछा जाता है वो 3 to 7 हो गए। तो ये चार क्वेश्चन हो गए, ऑयल रिंग कौन से ग्रुप में है, ऑयल रिंग का फंक्शन क्या है, रिंग क्लियरेंस कितना है, और ये याद करना पड़ेगा, CCOS, सी इज क्राउन, द टॉप पोर्शन ऑफ द पिस्टन इज नोन एज द क्राउन, द सी फॉर द कंप्रेशन रिंग, इज ओ फॉर द ऑयल रिंग, एंड एस फॉर द स्कर्ट। द स्कर्ट इज, स्कर्ट कहाँ पे होता है, इट्स बिलो ऑयल रिंग, बिलो ऑयल रिंग, और जो इसका क्लियरेंस होता है, अगर इसका भी क्लियरेंस याद करना है, 0.04 mm होता है स्कर्ट क्लियरेंस, ये एब्जॉर्व करता है प्रेशर को। तो पूछे पिस्टन में जो साइड थ्रस्टर है या प्रेशर एब्जॉर्व कौन करता है, स्कट करता है। रिंग एक्सपेंडर लगा होता है वियर को रोकने के लिए, तो ये सब चीज़ें जो है इससे हो गई, तो ये सब क्वेश्चन इससे बनते हैं जो इससे पूछे आते हैं। और कोई क्वेश्चन बचा है नहीं, ठीक है, तो ये हो गया आपका पिस्टन के बेसिक। मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ भी दी हैं, पर इतना बहुत है, और इससे ज़्यादा डिटेल में आएंगे तो फिर फायदा नहीं है। आते हैं इसमें, अगर आप देखोगे तो जो इसका स्ट्रोक बोर रेशियो होता है वो आपका होता है, स्ट्रोक मतलब लेंथ, बोर मतलब डी डायमीटर, तो वो आपका 1 से 1.45 के बीच वेरी करता है, जो मोस्टली प्रिफर्ड कराया जाता है वो 1.25 कराया जाता है। फायरिंग ऑर्डर देखें, सीक्वेंस ऑफ द पावर स्ट्रोक जो होते हैं, 4 सिलेंडर के आपके दो होते हैं, 1342 और 1243, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ऐसे 6 सिलेंडर और 8 सिलेंडर के भी याद करने पड़ेंगे जो मैंने नहीं लिखवाए हैं, क्योंकि 6 सिलेंडर के बहुत सारे हैं, फिर अब याद करना हो तो कर लेना, ठीक है, बुक से किसी भी। अगर आप देखोगे तो ये आपका कंपोनेंट है इंजन के, ठीक है, ये इनलेट मैनिफोल्ड होता है, इसके थ्रू एयर आती है, ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है जिसके थ्रू एयर बाहर जाती है। तो पूछ लेते हैं कि अभी अभी दो क्वेश्चन बनते हैं इससे, कि इनलेट मैनिफोल्ड में जो एयर आती है उसकी स्पीड कितनी होती है मैक्सिमम, इट्स 56 मीटर पर सेकेंड, जो एग्जॉस्ट से बाहर जाती है उसकी होती है 71 मीटर पर सेकेंड। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में हम कभी भी अभी लगाते हैं, ट्रैक्टर में स्पेशली लगा होता है, मफलर आपने देखा होगा नॉइस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, तो ये पूछा जाता है कभी अभी। स्केवेंजिंग पूछ लेते हैं, स्केवेंजिंग होता है द बर्निंग ऑफ द रिमूवल ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस, ठीक है ना, फ्रॉम द एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, जो आपकी एग्जॉस्ट गैसेस होती है बाहर निकलते हैं उसको प्रोसेस को हम स्केवेंजिंग बोलते हैं, ठीक है। कभी भी पूछ लेता है रेट ऑफ डूइंग वर्क कितना होता है, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, इट्स 75 kg/s, डायरेक्ट याद ही करना है, और कन्वर्ट करोगे मिनट में तो आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इट विल बी 4500 kg/min। तो इसके तीन क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये रहा कि L/D की वैल्यू कितनी है, दूसरा क्वेश्चन कितने फायरिंग ऑर्डर हो सकते हैं 4 सिलेंडर के दो, तीसरा क्वेश्चन इनलेट मैनिफोल्ड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में की स्पीड कितनी होती है, फोर्थ मफलर कहाँ लगा होता है, काम क्या होता है, फिफ्थ स्केवेंजिंग क्या होती है, और ये क्या होता है, ठीक है। जल्दी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसको, पर देखते जाओ पिक्चर माइंड में सेट हो जानी चाहिए, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ये अगर आप डायग्राम देखोगे, ये आपका बेसिक इंजन का डायग्राम है, डायग्राम बहुत ही बेकार बना हुआ है, ठीक है, देखोगे तो ये आपके 3 सिलेंडर है, ये इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व हर सिलेंडर की, ये रोड हो गई कनेक्टिंग रोड, यहाँ पे पिस्टन लगा होगा, और ये आपकी क्रैंक शाफ्ट है, तो वो ये कि आपका पिस्टन स्लाइड कर रहा है, ये पिस्टन लगा लो यहाँ पे, है ना, तो पिस्टन है ये, पिस्टन स्लाइड कर रहा है, और ये क्रैंक शाफ्ट, ये जो क्रैंक शाफ्ट है ऐसे घूम रही है। अब इसमें आता है कि कैम शाफ्ट होती है इसके ऊपर ये, अब देखो कैसे ये काम करता है बेसिकली, ये आपका ये स्लाइड कर रहा है, क्रैंक शाफ्ट घूम रही है, ड्यू टू दिस क्रैंक शाफ्ट, ये आपकी क्रैंक शाफ्ट पूरी घूम गई, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा होगा कि एक सिलेंडर जो है काम कर रहा होगा, पावर स्ट्रोक मिल रही होगी, तो वो उसको ही उसके थ्रू क्रैंक शाफ्ट रिवॉल्व करेगी, क्रैंक शाफ्ट से, ये आपकी क्रैंक शाफ्ट क्रैंक गियर है, इस क्रैंक गियर से जो है आपका कैम शाफ्ट गियर अटैच होता है विद टाइमिंग बेल्ट, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं। तो ये आपका हो गया क्रैंक, और ये हो गया आपका कैम शाफ्ट गियर, जिसको हम बोलते हैं हाफ टाइम गियर भी, क्यों, देखो कैम शाफ्ट गियर का जो साइज होता है बहुत बड़ा होता है, इसलिए ट्वाइस ऑफ द क्रैंक शाफ्ट, ये पूछा जाता है। अभी कैम शाफ्ट गियर से कैम शाफ्ट अटैच है, इट्स अ कैम शाफ्ट, कैम शाफ्ट में क्या लगे होते हैं, ये आपके कैम शाफ्ट का काम क्या होता है,
वॉल की ओपनिंग और क्लोजिंग करना, ठीक है। कैमशाफ्ट घूम रही है, देख रहा है, घूम रही है। अब यहाँ पे इसके मैकेनिज्म लगी होती है, कॉम बोलते हैं इसको, जिसके थ्रू जो होता है, अगर ये घूमेगी, देखो ये सपोज करो ये घूम रही है ऐसे, ठीक है, रिवॉल्व कर रही है, तो ये कभी भी ऐसे रिवॉल्व करेगी तो ये ऊपर और क्लोज होगा, ओपन और क्लोज। तो ड्यू टू दिस रिवॉल्यूशन द टाइमिंग ऑफ द इनलेट वॉल्व और द एग्जॉस्ट वॉल्व क्या होती है, कंट्रोल होती है ऐसे। तो ये बहुत पूछा जाता है कि कौन सी जो शाफ्ट है, जो कैम शाफ्ट का मेन पर्पज क्या होता है, टू कंट्रोल द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द एग्जॉस्ट वॉल्व, ये किसके द्वारा ड्रिवन होती है, ये क्रैंकशाफ्ट गियर से। ये कौन सा गियर लगा होता है, टाइमिंग गियर। तो तीन क्वेश्चन इसमें बनते हैं, दिख गया ना आपको, क्रैंकशाफ्ट के, क्रैंकशाफ्ट से ये आप समझ लो बेल्ट और पुली लगा हुआ है, तो कैमशाफ्ट से यहाँ पे वो क्रैंकशाफ्ट से कैमशाफ्ट ड्राइव हो रही है, कैमशाफ्ट गियर, सॉरी, कैमशाफ्ट गियर से आपकी कैमशाफ्ट है, और फिर ये क्या कर रही है, वॉल्व को क्लोज कर रही है, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व। तो कैमशाफ्ट के फंक्शन यही होते हैं, टू कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व ड्रिवन बाई द कैमशाफ्ट गियर, कैमशाफ्ट गियर से होती है। इसको हाफ हाफ टाइम गियर ही बोलते हैं। हाफ टाइम गियर क्यों, क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा है, जाहिर सी बात है, साइज ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी। हाफ टाइम का मतलब क्या है, स्पीड इसकी कम होगी, ठीक है, ज्यादा टाइम ले लेगा, तो हाफ टाइम गियर बोलते हैं इसको। साइज क्रैंकशाफ्ट का क्या होगा, दोगुना होगा, तो साइज ज्यादा होता है, ये बहुत पूछा जाता है। हाफ टाइम गियर किसको बोलते हैं, कैमशाफ्ट गियर को। हाफ टाइम गियर की स्पीड ज्यादा होती है, साइज ज्यादा, साइज ज्यादा होती है, स्पीड इसकी हाफ होती है क्रैंकशाफ्ट गियर की, ये पूछा जाता है। और इसमें पूछा होता है कौन सा गियर लगा होता है, गियर भी टाइप के होते हैं, स्पर हो गया, वॉर्म हो गया, बीवल हो गया, तो इसमें स्पर गियर यूज होता है। तो ये बेसिकली हो गई। अच्छा ये भी ध्यान रखना, जो क्रैंकशाफ्ट का जो मेन स्पेस होता है, इसको हम मेन जर्नल ही बोलते हैं, तो बोल लेते हैं मेन जर्नल का होता है, जो क्रैंकशाफ्ट का जो मैक्सिमम स्पेस होता है वो मेन जर्नल होता है। तो ये सब चीज़ें हो गई, और क्रैंकशाफ्ट में आपके काउंटर वेट लगे होते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, पर इतना होता है। और पहली बार जब भी आप मटेरियल पढ़ रहे हो ना, तो ये बहुत ही, मतलब ये ऐसा टॉपिक है जिसमें अलग अलग बुक में अलग अलग है। मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बहुत सारी बुक देखी है, बहुत सारे रिसर्च पेपर गो थ्रू हुए हैं, और मॉडर्न में तो अलग ही चीज़ें यूज हो रही हैं, तो इससे पूरा रिलाई मत रहना। तो आप किसी बुक को रेफर कर लो, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है, फिर भी मोस्ट प्रिफरली हमने निकाला है, ठीक है ना। तो जो आपका सिलेंडर और फ्लाई व्हील होता है, वो आपका कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है, लेकिन ये अब तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन जनरली इसी के बनते हैं, ठीक है। पिस्टन पिन जो बनी होती है, किस मेटल की बनी होती है, स्टील एलॉय होता है, नाइट्रोजन हार्डन एलॉय होता है, बहुत सारे एलॉय आज भी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द आंसर आपके सेम मिल जाएंगे। पिस्टन आपका किसका बना होता है, या तो एल्यूमिनियम इट्स एलॉय होगा, कभी भी कास्ट आयरन भी आंसर हो सकता है इसका। कनेक्टिंग रॉड आपकी ड्रॉप फोर्ज स्टील की बनी होती है, बट ये सच नहीं, मतलब इट्स, हमने एक दो बुक से कंपाइल कर रहे हैं, तीसरी बुक करोगे तो तीसरा अलग है, चौथी बुक करोगे तो उसमें अलग लिखा है, तो ये आपको थोड़ा खुद देखना है। जनरली ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, और ये बिल्कुल परफेक्ट है, डाउट इन दोनों में ही है। डाउट के अलग अलग बुक में अलग अलग है, और अलग अलग कंपनी अलग अलग यूज़ करती है, तो इट्स नॉट अ कि ऐसा कुछ नहीं है, जनरली की बात है। और ऑप्शन से ठीक होंगे वो ऑप्शन में, अगर आपको लग रहा है कि पिस्टन भी उस मटेरियल का बन सकता है, तो वो सारे मटेरियल हो सकता है ठीक हो, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा। और एमएसक्यू में तो बहुत ही डिफिकल्ट है, तो एमएसक्यू में ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो ये नहीं करेगा कि कौन से मटेरियल, मतलब वो बहुत चीज़ें दे सकता है उसके आंसर में, डिफेंस में, कि ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, करंट कोई कंपनी और यूज़ कर रही है, कोई और नया मटेरियल आया हो, तो वो सब चीज़ें वेरी कर सकती हैं, लेकिन ये दोनों जनरली ठीक है। इन दोनों को आपको बहुत केयरफुली अटैम्प्ट करना है। देखो आपका हम टू स्टॉक और फोर स्टॉक के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं, बाकी हमने वर्किंग वगैरह पढ़ी ली है। टू स्टॉक पता ही है, जो आपके दो स्टॉक में कंप्लीट साइकिल कर देगा, जो आपके फोर स्टॉक में करेगा। टू स्टॉक का मतलब क्या है, एक रिवोल्यूशन, ठीक है ना, वन वन आपका जो वन साइकिल होगी, ठीक है। यहाँ पे आपके क्या है, फोर स्टॉक में क्या है, टू रिवोल्यूशन होता है क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। यहाँ पे आपके ये यूज़ होते हैं, वॉल्व यूज़ नहीं होती, पता ही है, इनलेट पोर्ट होता है, आउट वो लगे होते हैं ना, एग्जॉस्ट पोर्ट, इनलेट पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट, पोर्ट होते हैं, तीन पोर्ट होते हैं इसमें, और इसमें वॉल्व यूज़ होती हैं। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि पोर्ट किस में यूज़ होता है, टू स्टॉक इंजन में, कितने पोर्ट होते हैं, तीन पोर्ट होते हैं, कौन कौन से, इनलेट, एग्जॉस्ट और ट्रांस, और ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउटपुट पावर किस में ज़्यादा होती है। अगर आप देखोगे तो टू स्ट्रोक इंजन में पावर ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि आपको हर एक रिवोल्यूशन में एक आपको एक, क्योंकि इसके टू स्ट्रोक में क्या हो रहा है, कंप्लीट साइकिल हो रही है। टू स्ट्रोक का मतलब क्या है, 360 डिग्री, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट आपका एक चक्कर पूरा घूमेगी, 360 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री घूमेगी, और क्या होगा, आपको जो है एक पावर स्ट्रोक मिल जाएगा, मतलब एवरी रिवोल्यूशन यू विल गेटिंग अ स्ट्रोक, ठीक है ना, जहाँ पे जनरेट हो रही पावर। यहाँ पे क्या है, दो दो जब होंगे आपके, एक है इसमें क्या होता है, टू उसके जो होंगे कंप्लीट रिवोल्यूशन होंगे, तब आपका एक पावर स्टॉक मिलेगा, तो ऑफकोर्स ही बात है पावर इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे पी ज़्यादा है, तो ये पूछा था आउटपुट पावर किसमें ज़्यादा होती है, टू स्ट्रोक इंजन में। अगर यहाँ पे पी ज़्यादा है, तो फ्लाई व्हील का साइज क्या होगा, फ्लाई व्हील क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, वो जो भी आपकी जो मेन स्ट्रोक होता है उसमें आपकी एनर्जी को स्टोर करेगा, और दूसरे स्ट्रोक में जो है ट्रांसफर करेगा। फ्लाई व्हील का काम यही होता है, हम पढ़ेंगे आगे फ्लाई व्हील लगाम, ठीक है। तो अगर मेरे पास एनर्जी ज़्यादा है, तो मेरे को कम पावर स्टोर करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास टॉर्क ऑलरेडी हाई है,
तो मेरे को लेस अमाउंट ऑफ द एनर्जी स्टोर करनी पड़ेगी, इसलिए फ्लाईव्हील का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। तो जहाँ भी ज़्यादा पावर आपको ऑलरेडी मिल रही है तो आपको कम एनर्जी स्टोर करनी है, और फ्लाईव्हील इज एन एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, तो इसलिए इसका फ्लाईव्हील का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, ये याद करना है। अब ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्यूल कंजम्पशन, थर्मल एफिशिएंसी और एग्जॉस्ट टेम्परेचर। फ्यूल कंजम्पशन किसका हाई होता है, टू स्ट्रोक इंजन का, इसलिए टू स्ट्रोक इंजन खराब हुआ, वो ज़्यादा जो है फ्यूल कंजम्प्ट कर रहा है, इसलिए टू स्ट्रोक इंजन यूज़ नहीं करते ट्रैक्टर में, क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन बहुत हाई है। अगर फ्यूल कंजम्पशन हाई है तो थर्मल एफिशिएंसी कम होगी, और थर्मल एफिशिएंसी अगर कम है क्योंकि आपका थर्मली सही से बनी हो तो एग्जॉस्ट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ये तीनों आपको इसी तरीके से याद करना है हमेशा हमेशा, जब आप कंपेयर करोगे तो ये कंपेरिजन बहुत पूछा आता है। तो ध्यान रखो, फोर स्ट्रोक का क्या होगा, लो फ्यूल कंजम्पशन होगा, लो ऑयल कंजम्पशन होगा कंपेयर टू टू स्ट्रोक। अगर फ्यूल का कंजम्पशन लो है तो इसकी थर्मल एफिशिएंसी हाई होगी, और अगर इसका थर्मल एफिशिएंसी हाई है तो इसका एग्जॉस्ट का टेम्परेचर लो होगा। तो अगर बात करूं तो फ्यूल कंजम्पशन किसका हाई है, टू स्ट्रोक का। ड्यू टू द हायर फ्यूल कंजम्पशन द एफिशिएंसी विल बी लो, द थर्मल एफिशिएंसी। ड्यू टू द लोअर थर्मल एफिशिएंसी द एग्जॉस्ट टेम्परेचर विल बी मोर, ये आपको ऐसे याद करना है। फोर स्ट्रोक में भी अगर मुझसे क्वेश्चन ये पूछा है, ठीक है, तो फोर स्ट्रोक इंजन की थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा है, लेकिन फोर स्ट्रोक भी दो प्रकार का होता है, कंप्रेशन और स्पार्क। तो कंप्रेशन की ज्यादा होती है, अगर कंप्रेशन की हायर फ्यूल एफिशिएंसी है तो कंप्रेशन का एग्जॉस्ट टेम्परेचर स्पार्क से भी कम होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखने हैं आपको, तो ये फैक्ट हमेशा ध्यान रखो कि अगर फ्यूल कंजम्पशन हाई है तो थर्मल एफिशिएंसी कम होगी, और थर्मल एफिशिएंसी अगर कम है तो एग्जॉस्ट टेम्परेचर तो ज्यादा होगा। आपने सही से बोई नहीं करा, जो गैसेस हमने कंप्लीट कंबशन वो एग्जॉस्ट में ज्यादा टेम्परेचर पे आ रही हैं, क्योंकि थर्मल एफिशिएंसी कम है, वो यूज नहीं कर पा रहा उस पावर को, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन एक बनता है कि टू स्ट्रोक इंजन कौन सी स्पीड पे काम करते हैं, इट्स ओनली फॉर द हाई स्पीड, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन जो है एनी स्पीड में रन करते हैं, लो मीडियम और हाई। बहुत फेमस क्वेश्चन है, और जो इनका एयर टाइट क्रैंक केस होता है, ये पूछा जाता है किस इंजन का एयर टाइट क्रैंक केस होता है, टू स्ट्रोक इंजन का। तो ये सब होगा, तो मेन कौन कौन से हैं इसमें, एक तो फ्यूल कंजम्पशन किसका हाई है, सबसे ज्यादा मेन है, पावर किसमें ज्यादा मिलती है इसमें, फ्लाईव्हील का साइज इसमें कम होता है, ये तो पता लगेगा पावर भाई, आपको हर रिवोल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक मिल रहा है तो पावर ज्यादा होगी, और अगर पावर ज्यादा है तो आपको कम पावर स्टोर करनी है तो फ्लाईव्हील का साइज कम हो गया। फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा है तो लो थर्मल एफिशिएंसी होगी, हाई एग्जॉस्ट टेम्परेचर हो गया। अच्छा, अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि अगर जैसे टू स्ट्रोक इंजन है, एक टू स्ट्रोक इंजन है, एक फोर स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन इंजन है, एक फोर स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन है, किसका एग्जॉस्ट टेम्परेचर सबसे कम होगा, तो आप देखो कि टू स्ट्रोक इंजन का एग्जॉस्ट टेम्परेचर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लिखा है, क्यों होगा, क्योंकि इसकी थर्मल एफिशिएंसी कम है, ठीक है। तो अब इसका तो ज़्यादा होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा होगा, मतलब इसका तो इन दोनों से ज़्यादा है, लेकिन अब इन दोनों में सबसे कम किसका होगा, जिसकी एफिशिएंसी इन दोनों में ज़्यादा होगी, हमें पता है कंप्रेशन इग्निशन की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, तो इसका तो सबसे लो होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पे दोनों फैक्टर लिख दिए हैं, अगर कंपेरिजन टू स्ट्रोक वर्सेज फोर स्ट्रोक में कंप्रेशन और स्पार्क का कर रहे हो, ऐसे ही हम फ्लाईव्हील साइज से क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा इसका बेसिक डिफरेंस और पढ़ते हैं, स्पार्क और कंप्रेशन इग्निशन इंजन का, जो पहले मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। कुछ चार पांच पॉइंट है जो पूछे आते हैं आजकल, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होती है और कितनी होती है, एग्जैक्ट परसेंट आपको याद करनी है, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, और सबसे अच्छी बात है इसमें कोई डिबेट नहीं है, जितने भी रिसर्च पेपर देख रहे हो उसमें यही लिखी होती है रेंज। तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन की ज़्यादा होती है 85 से 90, और इसकी होती है 80 to 85। तो किसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज़्यादा है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन की, परसेंटेज वाइज आपको याद करनी है, बहुत जगह पूछी गई है, बहुत जगह। और तीन पॉइंट मैंने बताए थे अभी, तो आपको पता है कि जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है उसकी थर्मल एफिशिएंसी हाई होती है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। थर्मल एफिशिएंसी किसकी हाई है, सर इसकी, कंप्रेशन इग्निशन इंजन की। अगर हायर थर्मल एफिशिएंसी है तो बर्निंग प्रॉपर होगी, सब कुछ यूटिलाइज ठीक होगा एनर्जी का, तो एग्जॉस्ट का टेम्परेचर कम होगा। तो ऑफ कोर्स ही बात है, एग्जॉस्ट का टेम्परेचर पूछा है किसका ज़्यादा होगा, तो स्पार्क इग्निशन इंजन का ज़्यादा होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कंबशन पूछ लेता है कभी भी, कौन सा कंबशन होता है, तो सीआई इंजन में आपका हाइड्रोजीनियस कंबशन होता है, इसमें होमोजीनियस होता है, पर ये भी होमोजीनियस पूरा नहीं होता इस रिस्पेक्ट टू द कंप्रेशन इग्निशन, मतलब इफ यू कंपेयर द कंबशन ऑफ द स्पार्क इग्निशन विद एज कंपेयर टू द कंप्रेशन, ठीक है ना, अगर स्पार्क कंपेयर करोगे किससे, कंप्रेशन इग्निशन, तब रिलेटिवली होमोजीनियस है, ठीक है, ये आप डिबेटेबल है, पढ़ सकते हो कोरा वगैरह पे, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास भी। दो क्वेश्चन बनते हैं और, स्पेसिफिक आउटपुट किसका ज़्यादा है, देखो कि हर जगह देखो डीजल इंजन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा थी, टेम्परेचर कम था, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज़्यादा है, मतलब इन एवरी ईच एंड एवरी पॉइंट द इफ यू सी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद भी नहीं आ रहा तो आप कंप्रेशन को ज़्यादा प्रीफर कर सकते हो अच्छे में, जो भी अच्छा हो, लेकिन यह हमेशा ध्यान रखना कि इसका स्पेसिफिक आउटपुट किसका ज़्यादा होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन का, ये क्वेश्चन बहुत बनता है।
विच इंजन हैज अ मोर स्पेसिफिक आउटपुट, क्योंकि यहाँ पे रिच अमाउंट ऑफ द फ्यूल जाता है। ये अलग से प्रूफ करना पड़ेगा, अलग से एक्सप्लेन करने का, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। द स्पेसिफिक आउटपुट ऑफ द स्पार्क इग्निशन इज मोर बिकॉज वी यूज अ रिच अमाउंट ऑफ द फ्यूल। जो मिक्सचर होता है वो एयर फ्यूल का यहाँ पे रिच होता है कंपेयर टू कंप्रेशन इग्निशन, इसलिए इसका स्पेसिफिक आउटपुट ज़्यादा होता है। तो ये बहुत याद करने वाली चीज़ है। और किसका साइज ज़्यादा होता है, ड्यू टू हाई कंप्रेशन रेशियो, ज़्यादा बोर डायमेंशन चाहिए, तो जो साइज है वो कंप्रेशन इग्निशन का ज़्यादा होता है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हो गए। सबसे मेन क्वेश्चन कौन सा है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का, थर्मल एफिशिएंसी का, एग्जॉस्ट टेम्परेचर का और स्पेसिफिक आउटपुट का, ये चार बहुत मेन क्वेश्चन है। तो हमें बोलूंगा डीजल इंजन सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर मुझसे पूछा है कि स्पेसिफिक आउटपुट किसका ज़्यादा होगा, सो इट विल बी फॉर द स्पार्क इग्निशन इंजन। और स्पेसिफिक आउटपुट आप अलग से गूगल में पढ़ सकते हो, ठीक है, इसको मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा क्योंकि वो तो बहुत ही लंबी चीज चली आई है। और चार्जर और टर्बो चार्जर में डिफरेंस पढ़ते हैं। दोनों ही जो होते हैं आप क्या होते हैं, आपके हाई अमाउंट ऑफ हाई डेंस एयर को, ठीक है ना, हाई अमाउंट ऑफ डेंस एयर को करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है ना। अगर आपको जो है मैकेनिकल एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है या हाई प्रेशराइज एयर को जो है इंटेक करना है, ठीक है ना, अगर आप पहले ही एयर को हाई प्रेशराइज पे इंटेक करोगे तो ओवरऑल एफिशिएंसी सिस्टम की बढ़ जाएगी। तो दो आपके डिवाइस यूज होते हैं, सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर मेन डिफरेंस ये है, तो टर्बो चार्जर जो होता है इसको हम एग्जॉस्ट गैसेस के थ्रू ड्रिवन करते हैं, मतलब ये मैकेनिज्म ऐसी होती है कि एग्जॉस्ट गैसेस से ये ड्रिवन होगी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम इसको जो है इंजन के थ्रू, जो आपकी गियर्स अरेंजमेंट होता है उसके थ्रू हम रन करते हैं, ठीक है। तो जो ये सुपर चार्जर रन होता है, इट्स अ ब्लोअर, इस थ्रू गियर अरेंजमेंट होता है इंजन, मतलब ये डायरेक्टली इंजन से ब्लोअर अटैच होगा। ब्लोअर जो है सुपर चार्जर का एक पार्ट है, सुपर चार्जर, ठीक है, सपोज सिस्टम है तो ब्लोअर इज अ पार्ट ऑफ द सुपर चार्जर। तो ये बहुत मेन पूछा जाता है। टर्बो चार्जर में इट्स ड्रिवन बाय द एग्जॉस्ट गैसेस, इट इज ड्रिवन बाय द ब्लोअर विच इज कनेक्टेड टू द इंजन, ठीक है ना। सुपर चार्जर है, सुपर चार्जर क्या कर रहा है, चार्ज को सुपर चार्ज एंटर करवा रहा है, मतलब इट्स द जो एयर वो एंटर कर रहा है वो हाई डेंस एयर और हाई प्रेशराइज एयर है। तो अगर वो हाई डेंस एयर है तो उसका मास ऑफ एयर राइज हो जाता है, ठीक है, मोर डेंस एयर इसमें जो है इंजेक्ट करता है वो। इसको हम रोटरी कंप्रेसर भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे पी वी इक्वल टू एम आर टी है, अगर आपने एम बढ़ा दिया तो ये एम बाई एम डेंसिटी हो जाएगी। सो इफ यू इंक्रीज द प्रेशर डेंसिटी इज विल भी ऑल्सो इंक्रीजेस। सो इफ यू आर इंजेक्टिंग द हाई प्रेशराइज एयर तो डेंसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज, राइट। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, ये मैकेनिकल एफिशिएंसी को स्लाइटली इंप्रूव कर देता है, पावर बढ़ा देगा, ये आपका थर्मल एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देगा। ये एयरक्राफ्ट इंजन में यूज होता है, तो दो पॉइंट बहुत मेन है, एक तो ये कौन रन करता है इंजन, दूसरा ये कौन सा इसमें यूज होता है एयरक्राफ्ट इंजन में। क्यों, जैसे जैसे आप हाइट में जाओगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वहाँ पे आपको हाई डेंस एयर जो है इंजेक्ट करनी है, तो डेट्स वाई इट इज यूज एज अ सुपर चार्जर इज यूज इन द एयरक्राफ्ट इंजन। बेटर स्केवेंजिंग होती है, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर थर्मल एफिशिएंसी है तो वहाँ पे स्केवेंजिंग प्रॉपर होगी, अगर बेटर स्केवेंजिंग है तो एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, इट आल्सो हेल्प इन दिस। जो इसके डिसएडवांटेज होते हैं, देखो अब ये क्या हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशराइज एयर को भेज रहा है, हाई प्रेशराइज एयर को भेज रहा है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मैंने बताया भी था। तो अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा पेट्रोल इंजन में फिर नॉकिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे मेन डिसएडवांटेज का यही होता है, नॉकिंग होती है पेट्रोल इंजन में, और इसलिए हम इंटरकूलर प्रोवाइड करते हैं। तो पूछा जाता है कि इन विच सिस्टम द इंटरकूलर इज प्रोवाइडेड, पेट्रोल और कंप्रेशन। पेट्रोल इंजन में हम इंटरकूलर प्रोवाइड करते हैं सुपर चार्जर के साथ, क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने हाई प्रेशराइज एयर को भेजा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और टेम्परेचर के कारण नॉकिंग हो रही है, तो नॉकिंग को चेक करने के लिए हम इंटरकूलर यूज़ करते हैं। देखो कि सुपर चार्जर सिस्टम बहुत ही बड़ा होता है, गेयर वगैरह लगे होते हैं, तो अगर आप ये करोगे तो इसमें स्पेस रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, वेट रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है और कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये सिर्फ और डिसएडवांटेज है कि स्पेस बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। टर्बो चार्जर की अगर बात करें तो इट इज ड्रिवन बाय द एग्जॉस्ट गैसेस। वर्किंग लगभग दोनों की सेम है कि दोनों में ही हाई प्रेशराइज एयर को हम एंटर कर रहे हैं। इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पूछी जाती है 90-100%। एक क्वेश्चन ये बनता है कि टर्बो चार्जर क्या करता है, स्केवेंजिंग प्रॉपर कर देगा, अगर वो थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज कर देगा तो जो बंद गैसेस हैं, जो एग्जॉस्ट हैं, जो प्रॉपर बाहर निकलेंगे। तो ये इसके दो क्वेश्चन बहुत मेन है, यही वाले कि एक तो एग्जॉस्ट गैसेस से रन होता है, उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितनी होती है 90-100%। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन हो गए, ठीक है। कि फ्लाईव्हील साइज किसका बड़ा होता है, टू स्ट्रोक का या फोर स्ट्रोक का, फोर स्ट्रोक में किसका बड़ा होता है, कंप्रेशन का या स्पार्क का। अच्छा, अगर मान लो कि मुझे सेम इंजन में लाइक फोर स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन इंजन थ्री सिलेंडर, फोर स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन इंजन फोर सिलेंडर, उसमें कंपेयर करना, तो कैसे कंपेयर करोगे फ्लाईव्हील साइज का। तो इसके तीन थंब रूल होते हैं। देखो फ्लाईव्हील का साइज डिपेंड करता है अवेलेबल पावर पे। अगर आपको पावर ज़्यादा मिल रही है, यानी आपका टर्निंग मोमेंट ज़्यादा है, तो आपको स्मॉल फ्लाईव्हील चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको ऑलरेडी ज़्यादा पावर मिल रही है, तो आपका जो टर्निंग मोमेंट ऑलरेडी ज़्यादा है तो आपको कम पावर स्टोर करनी पड़ेगी, राइट। तो वहाँ पे स्मॉलर साइज ऑफ द फ्लाईव्हील चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, अब टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक मैं बता ही चुका हूँ कि टू स्ट्रोक में ज़्यादा पावर डेवलप होती है, तो ऑफकोर्स ही बात है कि फोर स्ट्रोक का जो फ्लाईव्हील का साइज है वो ज़्यादा होगा। तो इसलिए लिखा हुआ टू स्ट्रोक इज स्मॉलर देन द फोर स्ट्रोक, तो फोर स्ट्रोक का साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। स्पार्क इग्निशन वर्सेस कंप्रेशन इग्निशन इंजन, तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन का फ्लाईव्हील साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
मल्टी सिलेंडर वर्सेस सिंगल सिलेंडर। अपोज सपोज करो मैं मल्टी सिलेंडर इंजन है, तो मल्टी सिलेंडर इंजन में क्या हो रहा होगा, मुझे जल्दी जल्दी पावर स्ट्रोक मिलेंगे, द चांसेस ऑफ गेटिंग पावर स्ट्रोक इज ह्यूज। क्यों? वहाँ पे मल्टी सिलेंडर इंजन है, तो कोई ना कोई इंजन जो है, कोई ना कोई पार्टी जो सिलेंडर है वो किसी ना किसी स्ट्रोक में होगा, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि पावर मुझे ज़्यादा मिले, और ज़्यादा पावर मिलेगी तो मुझे साइज ऑफ फ्लाई व्हील जो है छोटा चाहिए। तो ये साइज ऑफ फ्लाई व्हील का अरेंजमेंट है। तो अगर टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में कंपेयर करोगे तो किसका फ्लाई व्हील का साइज ज़्यादा होगा? फोर स्ट्रोक का। स्पार्क और कंप्रेशन करोगे तो कंप्रेशन इग्निशन का ज़्यादा होगा। मल्टी सिलेंडर और सिंगल सिलेंडर करोगे तो किसका ज़्यादा होगा? सिंगल सिलेंडर का। इसलिए ये लाइन बहुत अच्छी लिखी हुई है। सपोज करो मेरे पास पांच टाइप ऑफ इंजन है, टू स्ट्रोक SI इंजन, टू स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन इंजन, फोर स्ट्रोक SI इंजन, फोर स्ट्रोक CI मल्टी सिलेंडर इंजन, और फोर स्ट्रोक CI सिंगल सिलेंडर इंजन। ठीक है, इनको अगर मुझे अरेंज करना है उसको फ्लाईव्हील के साइज से, तो आपको पता है कि टू स्ट्रोक का कम होता है फोर स्ट्रोक से विद इन द टू स्ट्रोक। अब टू स्ट्रोक में भी दो हैं, स्पार्क और कंप्रेशन, तो किसका ज़्यादा है? कंप्रेशन का ज़्यादा। तो फ्लाईव्हील का साइज कैसा हो जाएगा? टू स्ट्रोक स्मॉलर जो स्पार्क इग्निशन इंजन है सबसे छोटा होगा उसका फ्लाईव्हील साइज, ये ठीक है ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। फिर टू स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन का उससे ज़्यादा हो गया। अच्छा, ये टू स्ट्रोक आ गया, अब फोर स्ट्रोक आएगा। फोर स्ट्रोक में किसका ज़्यादा होगा? स्पार्क का, कंप्रेशन का। ठीक है, अब यहाँ पे डिबेटेबल टॉपिक है, ये दोनों में मैं ले रहा हूँ, मल्टी सिलेंडर ही ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, वरना आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो फोर स्ट्रोक मल्टी सिलेंडर SI इंजन और फोर स्ट्रोक मल्टी सिलेंडर CI इंजन, तो ऑफकोर्स ही बात है दोनों मल्टी सिलेंडर है, तो किसका ज़्यादा होगा? SI का, सॉरी CI का ज़्यादा होगा, SI का छोटा होगा। तो फोर स्ट्रोक SI मल्टी सिलेंडर आ गया यहाँ पे। फिर फोर स्ट्रोक जो है मल्टी सिलेंडर आपका CI आ गया। अब मल्टी सिलेंडर और अगर अगर अब यहाँ पे था कि फोर स्ट्रोक ये भी CI है, इट्स अ मल्टी सिलेंडर वर्सेस सिंगल सिलेंडर, तो किसका ज़्यादा होगा? सिंगल सिलेंडर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पावर कम है, तो ज़्यादा पावर आपको स्टोर करनी है तो फ्लाईव्हील का साइज बढ़ जाएगा। मतलब आपको ये तीन थंब रूल याद करने हैं कि टू स्ट्रोक का छोटा होता है फोर स्ट्रोक से, स्पार्क इग्निशन का छोटा होता है कंप्रेशन इग्निशन से, और मल्टी सिलेंडर का छोटा होता है सिंगल से। इससे आप जो है अरेंज कर लोगे फ्लाईव्हील को उसके सिक्वेंस में, ये बहुत मेन है।